कब लगा आपको कि मैं अपनी पार्टी से नाराज हूँ? अगर नाराज होती तो पिछले एक महीने से, जब से चुनाव शुरू हुए हैं, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार नहीं कर रही होती। ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं आया है जब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो सराखों पर, वी विल ऑलवेज फॉलो द पार्टी डिसिप्लिन। इमोशनल इस बात की थी कि कांग्रेस इस सीट पे लड़नी चाहिए थी। बिल्कुल इस बात का दुख है कि एक मौका नहीं मिलेगा, पहली बार ऐसा होगा कि हम लोगों के पास कांग्रेस को वोट करने का एक विकल्प नहीं होगा। जी, पर ये गठबंधन की शायद कंपल्शंस है और इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो जिस वजह से ये इंडिया गठबंधन आई है। तो हम लोग को, जैसे मैंने कहा कि हम पार्टी लाइन, पार्टी डिसिप्लिन एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इसको स्वीकार करते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जिहाद का सबसे पहले मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल। जिस तरह की हालात है, स्थिति है देश में, शायद इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी आज इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर ये इस्लाम में या कुरान में ये शब्द लिखा गया, इसका मतलब है इंटरनल स्ट्रगल, एक संघर्ष करना। तो जो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है वो शायद यही बोलना चाहेंगे, जो मैं समझती हूँ, कि सब संघर्ष करके अपने वोटों को जोड़िए और एक ताकत से वोट कीजिए। चुनावी बयानबाजी में अक्सर चीज़ें कह दी जाती हैं। मैं अगर अपने व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, यही कहूँगी। महात्मा गांधी जी हमारे देश के, क्या दुनिया के सबसे एक टॉल लीडर रहे हैं जिनको दुनिया में सम्मान मिलता है। राहुल जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी जगह, और महात्मा गांधी जी बिल्कुल अपनी जगह। इस वक्त हाल में अगर आप सही मायने से पूछें तो मैं कांग्रेस की सीटों पर और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए ही प्रचार कर रही हूं। अभी मुझे मौका मिला नहीं है कि मैं अलायंस कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर पाऊं। एक दिन बचा है, दो दिन बचा है, लेकिन मेरे प्रोग्राम इस वक्त सेट है। तो आज भी मुझे बुलाया गया था, भरूच में इमरान प्रतापगढ़ी जी का प्रोग्राम है, लेकिन मेरा ऑलरेडी एक हफ्ते से बारडोली में प्रोग्राम सेट था, तो मैं सिद्धार्थ चौधरी जी के लिए वहाँ जा रही हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ पता नहीं, कल शायद मेरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, बड़ोडा वलसाड, यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑलरेडी सेट हुए हैं पीसीसी की तरफ से। मतलब आप चेतर बसावा के लिए प्रचार नहीं कर? चेतर भाई ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है। जहाँ जहाँ से मुझे उम्मीदवारों ने बुलाया है, और ज़्यादातर सारे हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ही बुलाया है, तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी को प्रायोरिटी देकर अपने कैंडिडेट्स के लिए जा रही हूँ। जी बिल्कुल, आए हैं हमारे घर पे। इनफैक्ट अलायंस की जब बात हुई थी तो उससे एक दो दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने फ़ोन किया था और मिलना चाहते थे, पर जब तक ये अलायंस डिक्लेयर हुआ उसके बाद मैं भरूच गई नहीं, और पिछले हफ्ते गई थी, पर मैं सिर्फ अपने घर जाके वहाँ से आगे प्रचार के लिए निकल गई थी। नहीं, अभी तक उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। वो उनको शायद ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो शायद ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर बुलाएंगे और मेरे पास वक्त होगा तो ज़रूर जाऊँगा। कांग्रेस से ज़्यादा प्रचार कर पाएगी वो? जी, कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा प्रचार आम आदमी पार्टी कर पाएंगी? कर रही है, कांग्रेस भी कर, कांग्रेस उनका काफ़ी समर्थन कर रही है, हमारी डीसीसी पीसीसी पूरी साथ में लगी हुई है। मैं कर नहीं, नहीं मैं बिल्कुल कर रही हूँ, बट मैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही हूँ। बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। और आप वोट भी देंगे? मैं भरूच की बेटी हूँ, पिरामन गांव में मेरा वोट है, तो मैं 7 तारीख को वहाँ बिल्कुल अपना जो वोट का अधिकार है वो पूरा करने जाऊंगी। ये सीक्रेट बैलेट होता है, पर जाहिर है इंडिया अलायंस कांग्रेस है हमारा, तो आपको ये पूछने की ज़रूरत है क्या?